नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नेस्टेड लिस्ट के बारे में, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक खास तरह की लिस्ट के बारे में जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बेसिकली तब बनाई जाती है जब आप ये बताना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्ड का या फिर सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन क्या है। सो इस तरह की लिस्ट बनाने के लिए आपको जो टैग इस्तेमाल करना होता है वो खास तरह का होता है। तो जिस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यूएल इस्तेमाल करते थे, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आप ओएल इस्तेमाल करते थे, ठीक वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए जो टैग है वह है डीएल, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो ये करते हैं कि आप टैग बताते हैं कि आप किस टैग का डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो क्योंकि हम टैग की बात कर रहे हैं इसलिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है डीटी, यानी कि डिस्क्रिप्शन टैग। डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर आप डिफाइन करते हैं वह टर्म जिसका डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने टर्म लिखा है वह यहां पर इस तरह से आ गया है। डीटी टैग को हम क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद हम इस टर्म का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और डिस्क्रिप्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डीडी टैग का। डीडी टैग के अंदर हम टर्म डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो आप देखिए टर्म आ रहा है और टर्म के नीचे उसका टर्म डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो जब भी आप चाहते हैं कि इस तरह का एक फॉर्मेट आपको मिले तो उसके लिए आप डीएल यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आप डीटी टैग का इस्तेमाल करके सबसे पहले टर्म लिखेंगे, और उसके बाद डीडी टैग का इस्तेमाल करके आप उस टर्म का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके अंदर ही एक फिर से एक टर्म बनाता हूं, डीटी टर्म। तो आप मल्टीपल टर्म्स बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही टर्म बना सकते हैं। So, मैंने लिखा HTML, और उसके बाद मैंने HTML का डिस्क्रिप्शन लिखते हुए दिया अ मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। इस तरह से आप ये खास तरह की लिस्ट जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं बना सकते हैं। तो आप मल्टीपल टर्म्स को भी यहां पर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप HTML में एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप डिस्क्रिप्शन टैग और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब मुलाकात करूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कि HTML में आप टेबल्स किस तरह से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखते रहिए और सीखते रहिए HTML, योगीज गाइड टू HTML के साथ। धन्यवाद।